अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। दिस इज अली जैन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लोयमाल कैंपस लाहौर एंड आई एम हियर टू टीच यू द सब्जेक्ट एनिमेशन। टुडे इज द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ दिस सब्जेक्ट एंड आवर टॉपिक इज बेसिक एनिमेशन इन अडोब प्रीमियर प्रो। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने प्रीमियर प्रो का बेसिक इंटरफेस पढ़ा था और उसमें हमने कुछ वीडियो क्लिप्स को जोड़ के कुछ एनिमेशन कुछ इफेक्ट्स वगैरह लगाने भी देखे थे और वीडियो को कैसे ट्रिम करते हैं, क्लिप करते हैं या क्रॉप करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो आज के लेक्चर में हमने Adobe प्रीमियर प्रो में की फ्रेम्स वगैरह किस तरह से लगाए जाते हैं वो चीज़ें देखनी हैं। तो उसके लिए इंटरफेस में हमारे पास वही चीज़ें हैं। ये हमारा कंट्रोल वाला एरिया है, यहाँ पे एसेट एरिया है, यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू का एरिया है और ये हमारे पास टाइमलाइन। तो हम कुछ इमेजेस इंपोर्ट करके लेके आते हैं और उनकी मदद से सारी चीज़ें जो कि प्रीमियर प्रो में एनिमेशंस के हवाले से रोल प्ले करती हैं वो देखते हैं। हम टेक्स्ट को भी प्ले करना देखेंगे और लोगो वगैरह को भी और भी डिफरेंट चीज़ें जो होंगी, म्यूजिक को भी ऐड करना देखेंगे। म्यूजिक की ऊपर भी एनिमेशन अप्लाई होती है, वो भी हम देखेंगे किस तरह से म्यूजिक को एनिमेट किया जाता है। तो उनको डिफरेंट इमेज लेके आते हैं अपने प्रीमियर प्रो में। लेट्स सपोज ये इमेज है हमारे पास। और एट द टाइम हम इस तरह के तीन चार मल्टीपल इमेजेस लेके आते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हम चार इमेजेस ले आए हैं। अभी हमने ये देखना है कि हम इन इस वीडियो का जो इसमें इमेजेस यूज हो रहे हैं उसमें इमेजेस का ड्यूरेशन कितना रखना चाह रहे हैं। तो अगर हम इसको प्ले करते हैं तो ये ड्यूरेशन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि ऑलमोस्ट 4 से 5 सेकंड का एक इमेज का ड्यूरेशन है टाइमलाइन के ऊपर, करीबन 5 सेकंड का एक इमेज का ड्यूरेशन है। अपने टाइमलाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ज़ूम करके। तो मैं चाहता हूँ कि इमेजेस का जो ड्यूरेशन है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 सेकंड का, उसको थोड़ा सा हम कम करते हैं स्पीड ड्यूरेशन में आके राइट क्लिक किए करने के बाद। और इसको मैं यहाँ से 4 के बजाय 5 कर देता हूँ, ठीक है। और सेम ये इमेजेस जो है इनके ऊपर भी सबके आते हैं स्पीड ड्यूरेशन, राइट क्लिक किया करके इसके ऊपर भी आपने राइट क्लिक किया स्पीड ड्यूरेशन, ठीक है। अब हम इमेजेस को एक दूसरे के साथ साथ जोड़ देते हैं। अब ये सारे इमेजेस एक ही टाइमलाइन में पड़े हुए हैं, इन सबकी टाइमलाइन सेम है। तो जैसे कि एक इमेज की टाइमलाइन खत्म होती है अगले की टाइमलाइन शुरू हो जाती है इस तरह से, ठीक है।
अब इनमें से ये इमेज जो है वो साइज में छोटा है, इसको हम फ्रेम के साइज के मुताबिक एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इस पे डबल क्लिक करेंगे हम। इफेक्ट्स में आते हैं और मोशन, यहाँ से स्केल है इसका, स्केल हम इसका यहाँ से इंक्रीज करना शुरू करते हैं, और जब ये फ्रेम साइज के मुताबिक फिट हो जाएगा तो हम वहाँ पे लाके इसको ओके करते हैं। अब हम नेक्स्ट इमेज पे आते हैं, इसको चेक करते हैं, इसका फ्रेम साइज भी छोटा है, इसके भी सेम इसी तरह आते हैं, और इसका भी हम स्केल बड़ा करते हैं। ये टाइमलाइन को हम इसके ऊपर ले आएंगे ताकि पॉइंटर इसके ऊपर आएगा तो हमें प्रीव्यू में नजर आएगा, पॉइंटर जिसका भी जहाँ पे होगा तो वही एरिया हमें प्रीव्यू में नजर आ रहा होगा। तो अभी पॉइंटर हमारा यहाँ पे है तो ये प्रीव्यू में नजर आ रहा है। ये स्टूडेंट्स ये आ गया, इसके बाद हम इसके आते हैं, इसका स्केल ऑलरेडी ठीक है, इसका स्केल ठीक है ऑलरेडी, क्योंकि ये 1920x1080 के साइज पे बना हुआ है। इसके आते हैं, इसका स्केल भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, ये इमेज काफी लो रेज है इसलिए हम इसको यहाँ से डिलीट ही कर देते हैं, इसकी जगह हम कोई अच्छा इमेज ले आते हैं जो कि इतना ज्यादा लो रेज ना हो। इस इमेज को ट्राई करते हैं, ये भी काफी छोटा है वैसे तो। इसके हम स्पीड ड्यूरेशन में आते हैं और इसको हम चार सेकंड पे कर लेते हैं, और इसका भी हम टाइमलाइन के फ्रेम साइज इंक्रीज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये इमेजेस चार चार सेकंड के बाद एक दूसरे के साथ रिपीट करेंगे, और जैसे ही एक इमेज की टाइमिंग खत्म होगी तो दूसरा इमेज आ जाएगा। अब हम लेके आते हैं एक लोगो, जिसको हम चाहते हैं कि जैसे ये चार इमेजेस की टाइमलाइन चलती रहे तो वो लोगो जो है वो इसके ऊपर आके एनिमेट करता रहे। लेट्स सपोज ये लोगो पीएनजी फॉर्म में हमारे पास पड़ा हुआ है, पीएनजी का तो आप सबको आइडिया हो गई, जैसी फाइल जो के बैकग्राउंड के बगैर होती है, और इसको लाके मैं ऊपर वाली लेयर में रखूंगा क्योंकि ये इन सब के ऊपर नजर आएगा हमें। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लाके रख दूँ तो ये इसकी लेयर पे नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं इसकी लेयर ऊपर वाली रखी है ताकि बाकी सारी लेयर इसके नीचे रहे, और मैं चाहता हूँ कि जब तक ये तमाम वीडियोस क्लिप चलते हैं लोगो जो है हमारा उस तब तक इसके ऊपर रहे, तो इसलिए मैंने उसका ड्यूरेशन जो है वो उतना कर दिया है जितना कि तमाम पिक्चर्स के क्लिप्स का था। ठीक है, और अब हम लोगो की पोजीशन जो है वो अपनी मर्जी से चेंज करना चाहते हैं, तो पोजीशन वाले सेक्शन में आके यहाँ से इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन को चेंज करेंगे और लोगो को हमने यहाँ पे लाके प्लेस कर दिया। ठीक हो गया, इसके
उसके बाद हम चाहते हैं कि एक टेक्स्ट भी आए जो इसके अंदर हो, और टेक्स्ट के लिए लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, वही फिर दोबारा मैं आपको बता देता हूँ टेक्स्ट को क्रिएट या लिखने का इसमें क्या तरीका है। इसमें आप राइट क्लिक करेंगे न्यू आइटम, और यहाँ पे आपके पास टाइटल है, इधर हम टाइटल वन का ही इसको नाम दे देते हैं जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट आ रहा है। हम कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं, मैं ये मेथड लिख लिया। अब टेक्स्ट की सारी सेटिंग्स को देखना जरूरी है, उसको आप गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पे टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल है, इसको आप कोई सा भी फॉन्ट स्टाइल ले लें। फॉन्ट साइज भी आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, इसका कलर जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और भी काफी सारी सेटिंग्स हैं, लीडिंग स्पेस, कर्निंग, ये सब कुछ आप लोग फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में शुरू से करते आए हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कर्निंग हमने इसका बढ़ा दिया, ठीक है। ये सारी चीजें आप सेटिंग, ये सारे राइट साइड पे जितना सेक्शन आ रहा है सेटिंग्स का, वो सारी इधर भी। इसके अलावा कुछ स्टाइल्स हैं वो आप यहाँ से ये पिक कर सकते हैं, जिस तरह से ये बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट के स्टाइल हैं, अगर आपको इनमें से कोई पसंद है तो यहाँ से भी आप चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ से मूव टूल की मदद से अपने टेक्स्ट की पोजिशन पूरे लेआउट में कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर पैराग्राफ टेक्स्ट है तो यहाँ से आप इसके एडजस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, और अगर आप टेक्स्ट को बिल्कुल पेज के सेंटर में लेके आना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये दो ऑप्शंस बनी हुई हैं, या अगर आप इसको सेंटर के अलावा कहीं और रखना चाह रहे हैं तो वो आप मूव टूल की मदद से कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रेक्टेंगल है, राउंड रेक्टेंगल है, पेन टूल है, ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में आप यूज करके आए हैं। अगर आप एक रेक्टेंगल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप रेक्टेंगल क्रिएट कर लें, उसका फिल का कलर आप जो है वो कोई भी रख लें। अगर फिल खत्म करना चाहते हैं तो ये फिल उसका खत्म हो गया, सिर्फ आउटलाइन रहेगी, तो आउटलाइन आप कोई से भी कलर की, ब्लैक या वाइट, जो भी आप रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज हमें ये टाइटल पसंद है, और भी आप इसके अंदर मुख्तलिफ लोग पेन टूल से या डिफरेंट शेप्स की मदद से कोई भी किस्म की शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने ये टाइटल फाइनल किया और इसको जो है वो से मूव करके अपनी थर्ड लेयर में ऐड कर देंगे, और इसका ड्यूरेशन मैं रखना चाहता हूँ जितना मेरी फर्स्ट स्लाइड का ड्यूरेशन, ठीक है। और अब हम इनके ऊपर आगे चलते हैं, और ये सेकंड स्लाइड है, सेकंड स्लाइड के ऊपर लोगो आ रहा है लेकिन उसके ऊपर टाइटल हमने कोई भी नहीं दिया हुआ। तो अगर हम एक नया टाइटल जनरेट करना चाह रहे हैं तो सेम उसी तरह जाएंगे, टाइटल टू के नाम से होगा, और यहाँ से हम टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमने ये आइडिया लिख लिया, तो इसलिए हम ये वाला या कोई भी फॉन्ट स्टाइल चूज कर लेते हैं।
तो हमें थोड़ा सा यहाँ से ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर लिया, और इतना ही टाइटल काफी है, इसको हमने यहाँ से अपडेट किया, इसको भी उठा के हमने टाइमलाइन पे ला के फेंका, और इसको हम इस तरह से ड्यूरेशन सेकंड क्लिप का कर दिया। अब थर्ड क्लिप पे हमारे पास इस वक्त डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और लोगो और इस तरह से, इसके ऊपर भी हम एक टाइटल ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम ये टेक्स्ट लिख लिया और इसको हम ये वाला स्टाइल दे देते हैं। ठीक है, इसको भी ला के मैंने यहाँ पे रख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है हमारे पास, इसको हमने नाम दिया रेटिंग का, और इसको भी हम यहाँ पे टाइम लाइन पे ले आते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले इमेजेस की तरफ दोबारा, कि इनको हम किस तरह से एक दूसरे के साथ प्ले करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स में कुछ वीडियो ट्रांजिशंस हैं, उसमें ये वीडियो इफेक्ट्स हैं, सॉरी ये वीडियो ट्रांजिशंस हैं, इसमें जिस तरह ये चैनल मैप है, तो हम इन दो इमेजेस के दरमियान मिला के इन दो इमेजेस के दरमियान मिला के हमने यहाँ पे रखा, और एक कोई और ट्रांजिशन इनमें से जैसे यहाँ पे है, या स्लाइड की एक और ट्रांजिशन आपने इन दो स्लाइड्स के दरमियान में रखी, और हम इसको यहाँ से प्ले करते हैं। सॉरी, तो ट्रांजिशन जो है वो इमेजेस के बजाय टेक्स्ट पे प्ले हो गया। अब ये प्ले कीजिएगा, इस तरह से वीडियोस ट्रांसलेट होके आगे गई है। यहाँ पे फिर हम इधर से आते हैं, इसके ऊपर ये अप्लाई किया, वो बोला है इफेक्ट इस ट्रांजिशन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता, ये मतलब ये ट्रांजिशन इधर अप्लाई नहीं हो सकती, हम कोई और अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये एडिटिव डिसॉल्व, ठीक है जी, ठीक है। फिर इधर से ठीक है, ये तीन चार ट्रांजिशन हमने यहाँ से अप्लाई की, इमेजेस के ऊपर हम इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांजिशंस के अलावा आप इमेजेस के ऊपर इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कि अगर इमेज को डार्क है, ब्राइट है, कलर सैचुरेशन चेंज करनी है, तो वो आप यहाँ से उसके वीडियो इफेक्ट्स में आके चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे
एडजस्ट है, एडजस्ट में आपके पास ऑटो कलर का है, तो हम इस इमेज के ऊपर लाके ये वाला इफेक्ट डालते हैं कि ये इसका ऑटो कलर जो भी कलर होगा वो इसको ऑटोमेटिकली अपने मुताबिक ही थोड़ा बहुत ठीक कर देगा। तो मेरे लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको मैं वैसे बता रहा हूँ कि किस तरह से इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई किए जा सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लोगो है या कोई भी कंपनी का लोगो हो सकता है। हम चाहते हैं कि जैसे जैसे ये वीडियो प्ले हो रही है ये लोगो लेफ्ट टू राइट इस तरह से मूव करता जाए जैसा कि हमने एडोब आफ्टर इफेक्ट में सीखा था। तो उसके लिए बिल्कुल आसान सा तरीका है कि आप लोगो के ऊपर आए, उस पर डबल क्लिक करें और उसके इफेक्ट कंट्रोल्स खोलें और उसकी पोजीशन वाला जो की फ्रेम है उसका टॉगल आप ऑन कर दें और लोगो यहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक आप ये देखेंगे कि इसके अंदर की फ्रेमिंग अप्लाई करना इसके नस्बत ज़्यादा आसान है। हम एक स्टेप पीछे आते हैं, तो हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में लोगो यहाँ पे हो और जब वीडियो प्ले होती जाए तो एंड तक लोगो जो है वो यहाँ पे चला जाए। तो उसके लिए हम यहाँ इसकी पोजीशन को जो है वो चेंज करते हैं और लोगो को उठा के यहाँ ले आते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात थी। इसके अंदर दो की फ्रेम इसके ऊपर अप्लाई हो गए, अब हम प्ले करते हैं तो ये देखिएगा कि लोगो आराम से वहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, जितना वीडियो प्ले होती जाएगी उतनी देर तक लोगो जो है वो अपने एंड पॉइंट पे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब कुछ इफेक्ट्स की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं ताकि इफेक्ट्स मुझे समझ आ जाए। जिस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये वीडियो इफेक्ट्स हैं, इसके अंदर हमारे पास स्टाइलाइज में आते हैं, वो कोई से भी आप वो चूज कर सकते हैं। फर्ज करें कि ये अल्फा ग्लो है, ये हम अपने लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं इस तरह से, ये उसके ऊपर ग्लो आ गया और हम इसकी ब्राइटनेस कहते हैं स्टार्ट कलर, इसको हम ये वाइट देते हैं। ठीक है, तो फेड आउट का भी हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यहाँ से यूज एंड कलर का भी कर सकते हैं। बहरहाल ये आपकी मर्जी है, ये इसकी ब्राइटनेस है, इसमें से ग्लो का है, अब ये ग्लो इसकी यहाँ पे इस तरह से ज्यादा हो गई है, यहाँ पे कम हो गई, ठीक है, तो बिल्कुल जीरो हो गई है। तो अब हम चाहते हैं कि ये इफेक्ट तो हमने अप्लाई कर लिया है लेकिन हमारे लोगों के साथ ये इफेक्ट जो है वो एनिमेट भी होता रहे, तो उसके लिए ये है कि ये हमारे पास यहाँ पे आके आधा सेकंड कंप्लीट होता है और स्टार्टिंग पे हम इसको एक की फ्रेम देते हैं। ग्लो का टॉगल ऑन किया हमने, की फ्रेम लग गया, हाफ सेकंड पे आते हैं और ग्लो बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये इतना से हमने अपनी मर्जी से ग्लो बढ़ा दी और अब इसको चेंज करना पड़ेगा, ये अच्छी नहीं लग रही लेकिन ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अदरवाइज जैसे इसकी ग्लो को बेहतर कर सकते हैं आप उसकी सेटिंग्स में जाके इसको चेंज करके बार बार। फिर हम पूरे एक सेकंड पे पहुंच जाते हैं और ग्लो को फिर दोबारा जीरो कर देते हैं। फिर हम आधे सेकंड पे दोबारा गए और ग्लो को यहाँ पे 40 पे दोबारा कर दिया हमने।
उसे अगेंस्ट रख गए, ग्लो को हमने अगेन जीरो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जब हम इसको साथ साथ प्ले करेंगे तो ग्लो भी कम हो रही है और ज्यादा हो रही है, और एनिमेशन लोगों के ऊपर भी अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से था, फिर हमारे पास ये टाइटल्स हैं, जिस तरह अभी पहली स्लाइड का टाइटल हमारा ये मेथड था, तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और उसके इफेक्ट कंट्रोल्स में आते हैं और इसकी हम पोजीशन के ऊपर एनिमेशन अप्लाई करते हैं और देखिएगा कि कितनी आसान इसके ऊपर एनिमेशन होती है। इसके वर्टिकल पोजीशन की वजह से हम इसको ऊपर ले जाते हैं -160 पे, और हम चाहते हैं कि थोड़े से टाइम के बाद, मतलब आधे से भी कम सेकेंड के बाद, यहाँ से ये इसी पोजीशन पे आए जहाँ पे हम ये चाहते हैं। थोड़ा सा हम इसको बाउंस करवाना चाहेंगे, और थोड़े से गैप के बाद हम इसको एक नॉब पर दोबारा ले गया, और फिर हल्के से गैप के बाद हम इसको थोड़ा सा नीचे गए यहाँ पे, और अब हम देखते हैं कि इसका बाउंसिंग इफेक्ट कैसा आया है। ये हमने प्ले किया, बहुत तेज इफेक्ट आया है जिसकी वजह से हमें वो इतना नजर नहीं आया, तो हम इसके की फ्रेम्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बढ़ा लेते हैं। ये इस तरह से ये मतलब आफ्टर इफेक्ट में इस वक्त बहुत आसान, आप देख रहे हैं कि हर की फ्रेम इसका भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं, सारे की फ्रेम इसके सामने लगे हुए हैं, इन सब के सामने भी की फ्रेम्स लग सकते हैं लेकिन वो नहीं लगे अभी, तो जब वो यहाँ पे हम लगाएंगे तो इधर नजर आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो हम ये अप्लाई करते हैं इस तरह से, अब प्ले करके देखते हैं। ठीक है, अभी कुछ बाउंसिंग इफेक्ट उसका बेहतर हुआ है, लेकिन हम इसको अगर थोड़ा सा और आगे कर लें, ये कैलकुलेशंस करना आपको जरा टेक्निकल काम है, इसको बड़े एहतियात से करने की जरूरत होती है कि एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम तक फासला कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये मेथड के ऊपर इस तरह से लगी, और भी मजीद बेहतर किया जा सकता है, लेकिन अब हम आगे की तरफ चलते हैं। जिस तरह ये आइडिया है जिसके ऊपर हम एनिमेशन लगाते हैं, शुरू में इसको हम जीरो कर देते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा आगे डिस्टेंस देके, अभी भी हम थोड़ा सा
हल्का सा बस करते हैं ताकि इसको एक की फ्रेम मिल जाए। और अब यहाँ के हम इसको 130 कर देते हैं। तो आप देखिएगा कि जब हम इसको प्ले करेंगे तो किस तरह का इफेक्ट आएगा। ठीक है, ऐसे तो इस तरह किसी भी टेक्स्ट को आप एनिमेट कर सकते हैं। जितना आगे अब ये प्रोसेस लिखा हुआ है इसको भी एनिमेट करना चाहते हैं, या ये जो रेटिंग्स लिखे हैं इसको भी एनिमेट करना चाहते हैं, तो ये सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। अब हम ये चीज आप एनिमेट्स को करके देख लीजिएगा। अब हम आते हैं थोड़ी सी किसी म्यूजिक फाइल की तरफ, कि हम इसको म्यूजिक देना चाह रहे हैं। तो म्यूजिक फाइल देखते हैं कंप्यूटर में कहाँ पे कोई पड़ी हुई है। ये एक म्यूजिक फाइल पड़ी हुई है हमारे पास, हम इसको लेके आते हैं। यहाँ पे ऑडियो के लेयर में लाके फेंकेंगे। अब आप देखते हैं कि म्यूजिक की जो फाइल है वो काफी बड़ी है, अपने हमारे वीडियो क्लिप में इस पर यहाँ तक जा रही है। तो हमें एक्स्ट्रा एक्साइज का जितना होगा वो ट्रिम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ तक इसको ले आते हैं और के इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ से ये इसके ऊपर से वहाँ से ये म्यूजिक ट्रिम हो गया। अब जैसे हमारे पास इतना म्यूजिक है तो हम इसको प्ले करते हैं, तो साथ साथ इसके म्यूजिक भी प्ले हो रहा है। पता नहीं आप लोगों को म्यूजिक की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि मुझे तो हेडफोन में आ रही है। रिकॉर्डिंग हेडफोन वाली रिकॉर्डिंग म्यूजिक में हो रही है या नहीं हो रही है मुझे आइडिया नहीं। खैर, अब इसमें एक चीज होती है कि जिस तरह से ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, और कोई बंदा जो है वो पीछे नरेशंस दे रहा है बोल के, तो जो नरेशंस हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं बनिस्बत म्यूजिक के। तो म्यूजिक अगर लाउड होगा और बोलने वाले बंदे की आवाज लो होगी तो आपको नरेशंस देने का कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए जरूरी होता है कि जिस तरह से फर्ज करें कि मैं एक और वीडियो फाइल म्यूजिक फाइल लेके आता हूँ। जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे एक अपनी ही वीडियो पड़ी हुई है, मैं वो ले आता हूँ। इसको मैं अनलिंक कर देता हूँ, वीडियो की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जस्ट ऑडियो की जरूरत थी। इतनी ऑडियो मैं इसके अंदर से ट्रिम कर देता हूँ। मैं जब वीडियो को प्ले करता हूँ तो म्यूजिक के साथ मुझे पीछे जो नरेशन हैं उनकी आवाज आ रही है। तो नरेशन की आवाज ज्यादा होनी चाहिए और म्यूजिक की कम होनी चाहिए। तो म्यूजिक की फाइल को हम डबल क्लिक करेंगे और उसका वॉल्यूम का सेक्शन है उसमें आएंगे, और यहाँ पे हम इसको की फ्रेम इसका खत्म कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे के सारा ही ये म्यूजिक इसका कम हो। तो हम इसको बिल्कुल 30 पे या 20 पे ले जाते हैं, नेगेटिव साइज में, नेगेटिव साइज। अब हम प्ले करके देखते हैं। बहुत ज्यादा कम हो गया, 15 तक कर लेते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे ये म्यूजिक हमारे पास कम हो गया, अब नरेशन की आवाज ज्यादा हो रही है। अच्छा, अब ऑडियो के हवाले से एक और चीज इम्पोर्टेंट है कि जब आपका ऑडियो खत्म हुआ है तो एकदम सडन एंड हुआ है, तो ये सडन एंड जो है वो जरा अच्छा नहीं लगता कि म्यूजिक जो है वो हल्का सा फेड होता हुआ, जैसे गाना भी कोई खत्म होता है तो जब वो खत्म होने लगता है तो उसके अंदर एक फेड इफेक्ट होता है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट्स में आते हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑडियो ट्रांजिशंस हैं जिसमें क्रॉस फेड है, तो इसको हम फेड वाली जो है ना इसके बिल्कुल एंड पे अप्लाई कर देते हैं। तो अब हम प्ले करते हैं, ठीक है, और इस वाली वीडियो ऑडियो के ऊपर भी यही इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं। अब जब वीडियो खत्म होगी तो वो हल्का सा फेड होता हुआ इफेक्ट आएगा जिससे एंटीसिपेशन हो जाएगी, सुनने वाले को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वीडियो जो है वो खत्म होने वाली है या खत्म हो गई है। ये जो ट्रांजिशन है ये हम वीडियो और ऑडियो के ऊपर भी लगा सकते हैं, जो कि की फ्रेम्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे इस वक्त यहाँ पे लेवल्स का की फ्रेम है। तो बाजू का ऐसा होता है कि भी नरेशंस में एक बंदा बोल रहा है लेकिन वो हर वक्त नहीं बोलता रहेगा, जब बोलना शुरू हुआ है तो हम चाहते हैं कि जिस वक्त वो नरेशंस दे रहा है उस वक्त म्यूजिक लो हो जाए, और जब वो नरेशंस देते वक्त रुक गया है तो उस वक्त म्यूजिक फिर लाउड हो जाए। तो इस तरह से म्यूजिक को फिर हमें एनिमेट करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं, जैसे इस वक्त हम यहाँ पे हैं और म्यूजिक स्टार्ट हुआ है, और स्टार्ट में हम कहते हैं कि भी बंदा अभी जो है वो नहीं बोल रहा, तो हम डेसिबल जीरो कर देते हैं और की फ्रेमिंग ऑन कर देते हैं, यहाँ पे की फ्रेम लग गया। और जैसे ही अब हम इस तरह से लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं आगे की तरफ जाते हैं, जहाँ पे वो बंदा बोलना शुरू हुआ तो हम वहाँ पे आके एक दफा मजीद इस जगह पे की फ्रेम लगाते हैं, ताकि वहां से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा जो म्यूजिक का लेवल है वो सेम रहे। और फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा के एक पॉइंट इस तरह से म्यूजिक जो है वो हम -15 पे ले आते हैं, ठीक है। और अब जब तक वो बंदा है, फर्ज करें कि यहाँ तक इतनी देर तक वो बंदा नोटेशन दे रहा है, तो यहाँ तक हम -15 ही उसका रखना चाह रहे हैं कि वो उसकी आवाज़ जो है वो म्यूजिक की डिम ही रहे। तो फिर यहाँ से मैंने दबा दिया तो ये की फ्रेम में खिला गया, ठीक है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बंदा जो है वो नोटेशन देना उसने बंद कर दिया, तो हम यहाँ पे एकदम उसको जीरो नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे करके जीरो किया और फिर उससे आगे यहाँ तक पॉइंट तक जब तक वो बंदा नरेशन नहीं दे रहा यहाँ तक लाके हम इसको जीरो ही रखेंगे, ठीक है। आप ये आपने ये देखा होगा कि मैंने जितने भी की फ्रेम्स लगाए हैं उन की फ्रेम्स के दरमियान में सडन चेंज मैंने नहीं आने दिया, कि जब वो म्यूजिक मैंने लाउड करना था तो लाउड करने से पहले उसको थोड़ा सा की फ्रेम का गैप दिया और फिर उसको लाउड करना शुरू किया, तो उससे ये होगा कि आपके म्यूजिक में जर्क्स नहीं आएंगे। ऐसे नहीं होगा कि एकदम म्यूजिक लाउड होगा और एकदम फेड होगा। अब आप प्ले करके देखते हैं, देखा लाउड से डाउन गया फिर दोबारा लाउड हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से हम म्यूजिक को ट्रीट कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें जरूरत होती है, ठीक हो गया। तो इसको अब आप फाइल को सेव कर लें और इसको वीडियो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लें किसी भी, और उसको आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी, आप अपना ख्याल रखिए, मज़ीद कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।